हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कॉमन जनता शिकार हो रही है उन अनुभवहीन शासकों के, जो अपनी अनुभवहीनता के कारण अपने द्वारा किए गए कुकर्म का शिकार बना रहे हैं उन कॉमन पीपल को, जो उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें उनकी गद्दी तक पहुंचाते हैं। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में जिंदा लोगों को जला दिया गया। आपस की मारपीट, आपस का मन मुटाव और एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना इतनी अधिक बढ़ गई है आज कि लोग दूसरों पर अत्याचार करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों को दोष दिया जाता था कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। क्या आज भारतवर्ष में ही एक हिंदू दूसरे हिंदू का अपमान नहीं कर रहा है? क्या आज एक भारतीय दूसरे भारतीय की हत्या नहीं कर रहा है? और खाना पूर्ति करने के लिए और घाव पर मरहम लगाने के लिए सीएम चली आती हैं और उन्हें आने में भी काफ़ी समय लग जाता है, और वो भी पब्लिसिटी के द्वारा, यानी जो भी काम करना है वो पब्लिसिटी को अचीव करने के लिए करना है। मन में कोई भावना नहीं है, अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं रहना है। तो ऐसे ही अनक्वालिफाइड रूलर्स, ऐसे ही अनक्वालिफाइड पॉलिटिशियन और ऐसे ही अनक्वालिफाइड शासक, जो कि दूसरों को अपने अंडर में रखकर उन्हें कुचल रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक आज कॉमन इंसान नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसके लिए एक अकेला काफ़ी नहीं है, यूनिटी होनी चाहिए और वही यूनिटी नहीं हो पा रही है। लोग एक दूसरे के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। यहीं पर कल्कि अवतार का गेम स्टार्ट होता है। कल्कि अवतार शांतिपूर्वक अपने गेम को खेलेंगे। उनके गेम को खेलने का मतलब क्या है? क्रिकेट या फुटबॉल का मैच नहीं, ये हंसी खेल का गेम नहीं हो रहा है, बल्कि जानबूझकर जो असुरी ताकत है, मैंने आपको बताया था कि कली डेमन भले पाताल लोक में है, लेकिन वहीं से वो अपनी असुरी ताकतों के द्वारा लोगों को, जो कि गलत राह पर चलना चाहते नहीं हैं, फिर भी थोड़े से कमज़ोर हैं, उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है सोचने समझने की, तो उनके ऊपर वो हावी हो रहे हैं और असुरी ताकत का उनके द्वारा इस्तेमाल हो रहा है और इस दुनिया में नेगेटिविटी को फैलाया जा रहा है। यहीं पर कल्कि अवतार अपना रोल निभाते हुए, बिना किसी को बतलाए जताए हुए कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वो अपना काम करते रहेंगे। यानी कलयुग के एंड में और कलयुग से सतयुग का जाने का टाइम जो चल रहा है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का, युग परिवर्तन का, इसको ही जो लोग फील कर पा रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, समय निरंतर चेंज होता जा रहा है। आप लोग इसे फील कर रहे हैं कितना, ये तो आप लोग जाने, लेकिन मैं इसे देख पा रही हूँ। कल जो राजा था, आज कहीं ना कहीं वो जेल के अंदर है। कल जो अपने आप को महात्मा बताते थे, आज उनके अपराधों की पोटली खुलनी शुरू हो गई है। कहाँ तक आप किसको बेवकूफ बनाएंगे? एक समय तक ईश्वर भी ढील देता रहता है। हाँ, बको कितना बकना है, हाँ अपराध करो कितना अपराध करना है, क्योंकि मैंने कहा हर एक अपराध का दंड अलग अलग होगा। तो जो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे अनुभवहीन लोग अपनी अनुभवहीनता के कारण अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं और लोगों को भी गलत राह पर ले चल रहे हैं, और उनके कारण, उनकी इसी अनुभवहीनता का कारण, अनएक्सपीरियंस्ड उनका जो रूल चल रहा है उसके कारण
लोगों को इसका शिकार, लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और देश की उन्नति होने के बजाय अवनति हो रही है। अगर सब लोग एक साथ मिलकर एक ही तरह की यूनिटी मेंटेन करें, जो कि सतयुग में होगी, सतयुग में यही कलयुग की चीज नहीं होगी, यानी ना कोई वहां पर राजा होगा ना रंक होगा, ना कोई गरीब होगा ना अमीर होगा, इक्वलिटी की परिभाषा सतयुग में रहेगी, यानी हर कोई डिवाइन पावर के तहत काम करेगा, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, ऐसी मनोभावना किसी के दिमाग में रहेगी नहीं। तो ऐसे ही लोगों का खात्मा, जो अनुभवहीन है, जिन्हें बिठाया गया, मौका दिया गया, लेकिन उस चीज को उन्होंने सीखा नहीं, बिना किसी चीज को सीखे हुए, बिना किसी चीज को जाने हुए आपने उसका इस्तेमाल करना यदि शुरू कर दिया तो उससे लोगों की हानि होगी, कोई उससे फायदा नहीं होने वाला है। कल के अवतार भी अचानक पृथ्वी पर नहीं आ गए हैं, उन्हें भी आने से पहले और शामिल करने के लिए इस कलयुग की लड़ाई में उन्हें भी तैयार करवाया गया, उन्हें भी तैयार अभी भी करवाया जा रहा है, तपस्या उनसे करवाई जा रही है, उनको जो वेपन दिए जा रहे हैं उनको चलाना सिखलाया जा रहा है, कब किसका इस्तेमाल करना है वो बतलाया जा रहा है, किस मंत्र के द्वारा वो चालित होंगे वो बतलाया जा रहा है, कैसे कहाँ इसका उपयोग करना है वो सब बतलाया जा रहा है। ऐसे ही नहीं कि हाँ मैं विष्णु भगवान का अवतार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, करके खत्म करता हूँ और चला जाता हूँ, ऐसे नहीं होता। हर नियम के तहत यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है तो उसी नियम के तहत ही ये काम भी चल रहा है। तो कल के अवतार भी ऐसे लोगों का वध करेंगे जिन्होंने कभी भी किसी काम को करने के लिए कोई हुनर हासिल नहीं किया है, सीखा नहीं है, बस कैप्चर कर लिया उस चीज को, चमचागिरी करके लोगों को मोह माया में फंसा कर, मीठी मीठी बातें करके, आजकल लोग तो फंसी जाते हैं, जो जितनी मीठी बातें करता है वो उनके लिए उतना ही अच्छा होता है, और अपनी टीम बना लेते हैं। टीम बनाना आजकल बहुत जरूरी है मैं देखती हूँ, तो लोग टीम बनाना चाहते हैं और टीम बनाकर फिर स्टार्ट कर दिया अत्याचार करना, इनजस्टिस करना, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि चाहे जो भी कर लो, एक नज़र 24/7 तुम्हारे कर्मों के ऊपर है कल के अवतार की। और सिर्फ वही नहीं, उनकी टीम भी है, बहुत बड़ी टीम जो आज सबको देख रही है। ना माने, मेरे बहुत सारे मेरे चैनल पर व्यूवर्स हैं जो नहीं मानते मेरी बात को, कोई बात नहीं, मैं मनवाना भी नहीं चाहती, आपका विश्वास आपके साथ, और आपको क्या करना है नहीं करना है वो आप, जैसा आप करेंगे वैसा आपके सामने आएगा। तो मैं अपने चैनल पर अच्छी बातें लोगों को बतलाती हूँ, लेकिन मेरी अच्छी बातें लोगों के समझ में नहीं आती हैं, वो उल्टे मुझ पर ही आरोप लगा देते हैं, कोई बात नहीं, तो उनको मैं हवाले कर देती हूँ कल की अवतार के, भई आप संभाल लेना, आप देख लेना, आप इनको सद्बुद्धि दे देना। तो कल की अवतार के हाथों ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड रूलर खत्म किए जाएंगे जिन्होंने अशांति को न्योता दिया है। जो भी यूनिवर्स के पीस को चुनौती देगा वही कल की अवतार की नजर में उनका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, क्योंकि यूनिवर्स के पीस को मेंटेन करना हम इंसानों का काम है, सिर्फ ईश्वर का नहीं। ईश्वर ने हमें भेजा किस लिए है? मारपीट, दंगा फसाद, मर्डर करना, जलाना, हत्या करना और सारी असुरी ताकतों को बढ़ावा देना, इन सब चीजों के लिए नहीं, बल्कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए। लेकिन पुराणों में कहा गया है, चूंकि ये अंतिम युग है, क्लीनलीनेस का प्रोसेस चल रहा है यूनिवर्स में, तो ये सब कुछ होना ही है, ये विनाश लीला उनकी मर्जी के तहत हो रही है, लेकिन इसमें किसको अपने आप को बचा लेना है ये वो इंसान, वो आत्मा ही जान पाएगा, जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा ईश्वर का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।